गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। मिकेनिकल इंजीनियरिंग ने अंदर सब्जेक्ट मेन्युफेक्चरिंग टेक्नोलॉजी ने अंदर चैप्टर नंबर 3 मेटल जॉइनिंग प्रोसेस में बात करता था आपरे। डेट मीन्स के जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा मेटल जॉइनिंग प्रोसेस, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। बेसिकली दो तरीके से वेल्डिंग प्रोसेस होता है। एक होता है प्रेशराइज वेल्डिंग, जिसको हम लोग प्लास्टिक वेल्डिंग कहते हैं, जिसके अंदर हीट के साथ प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर इन्वॉल्व होता है। दूसरा होता है फ्यूज़न वेल्डिंग, जिसके अंदर हीट तो यूज़ होती है लेकिन हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे नहीं। तो ये हो गया दो बेसिक किस तरीके से, यानी दो कौन से तरीके से वेल्डिंग होता है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट कि जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसको अगर क्लासीफाई करना है तो किस तरीके से उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। डैट मीन्स के क्लासिफिकेशन ऑफ दी वेल्डिंग प्रोसेस। तो देखिए, बहुत सारे वेल्डिंग प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं। सारी वेल्डिंग प्रोसेस हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आपके सिलेबस में सब वेल्डिंग प्रोसेस दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ दी वेल्डिंग, जिसके अंदर सबसे पहला है गैस वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। देखिए, हम लोग वेल्डिंग के अंदर ज़्यादातर हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं। फ्यूज़न प्रोसेस होता है, डैट मीन्स कि हमको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऐसे बहुत सारे गैस है, कंबसेबल गैस है जिसका कंबसन होता है, जिससे हम लोग हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली एक वेल्डिंग प्रोसेस डिज़ाइन हुआ है, जिसको बोला जाता है गैस वेल्डिंग प्रोसेस। उसके अंदर पहला है ऑक्सी एसिटिलीन, दूसरा है एयर एसिटिलीन और थर्ड है ऑक्सी हाइड्रोजन। हम लोग गैस यूज़ करेंगे, जो एसिटिलीन गैस आता है वो भी कम्ब्यूसेबल है, वो भी जल सकता है। ऑक्सीजन तो आपको मालूम ही है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है, तो ऐसा जो गैसेज है जिसको हम लोग जला सकते हैं एज अ फ्यूल, उसके अकॉर्डिंगली गैस वेल्डिंग प्रोसेस क्लासीफाई होता है। अगर हम लोग ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिक्स करेंगे तो उस प्रोसेस को ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रोसेस बोला जाएगा। अगर हम लोग एयर और एसिटिलीन गैस को मिक्स करेंगे तो उसको एयर एसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। अगर हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स करेंगे तो उसको ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग प्रोसेस बोला जाता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, एम्पियर तो करंट का यूनिट है। अगर हम लोग करंट यूज़ करेंगे, वोल्टेज यूज़ करेंगे और उससे हम लोग आर्क प्रोड्यूस करेंगे, और ढेर सारा आर्क प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, हीट एनर्जी क्रिएट होगी। तो अगर उस हीट एनर्जी को हम लोग आर्क के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे तो उस वेल्डिंग प्रोसेस को बोला जाएगा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के वेल्डिंग है, जैसे कि कार्बन आर्क वेल्डिंग है, मेटल आर्क वेल्डिंग है, मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग है जिसको शॉर्ट में बोला जाता है मीग वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस है, TIG टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग है, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग है। तो ये सारे क्या है, सारे के सारे आर्क वेल्डिंग है, जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, आर्क प्रोड्यूस करेंगे और वहाँ से हीट जनरेट करके पर्टिकुलर जगह पे वेल्डिंग प्रोसेस कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस की वजह से भी हीट एनर्जी क्रिएट होता है। जब हम लोग ठंडी के सीजन में दोनों हाथ घिसते हैं तो हाथ का जो रेजिस्टेंस होता है फ्रिक्शन की वजह से, तो हाथ गर्म हो जाता है। बस बिल्कुल उसी कंसेप्ट को हमने मेटल के ऊपर अप्लाई किया है। हम लोग वहाँ पे इतना रेजिस्टेंस क्रिएट करवाएंगे या फिर रेजिस्टेंस की मदद से इतना हीट एनर्जी क्रिएट करेंगे कि जिससे हमारा वेल्डिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस, जिसके अंदर होगा बट जॉइंट, जॉइंट नहीं बट वेल्डिंग, बट रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पॉट रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सीम रेजिस्टेंस वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग एंड प्रिकॉशन वेल्डिंग। क्लियर है? अभी सब आपको नाम याद रखिए, सारे डिटेल में आने वाले हैं, वन बाय वन हम सबको देखने वाले हैं। बस आप सिर्फ डिटेल में अभी मत जाइए, अभी आप सिर्फ ऊपर ऊपर से उसके जो टाइटल है वो याद रखने की कोशिश कीजिए। आज आपको लेक्चर ख़त्म होने के बाद ये सारे जो है उसको नोट डाउन करना है क्लास नोट में, और सबको घर पे रूम में एक बार बैठना है और ज़ोर ज़ोर से, जैसा मैं लेक्चर में बोल रहा हूँ ना वैसे, आपको ज़ोर ज़ोर से एक बार सारी चीज़ें बोल के याद करने की कोशिश करनी है, जिससे आपका जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश बोलने का वो थोड़ा सुधरेगा
और आपको बोलने में कॉन्फिडेंस आएगा। तो थर्मिट वेल्डिंग है नेक्स्ट। थर्मिट वेल्डिंग में भी हम लोग थर्मल एनर्जी यूज़ करेंगे, उससे भी हम लोग हीट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है पाँचवें नंबर पे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस जिसके अंदर कहीं पे भी मेटल पिघलेगी नहीं, सारा वेल्डिंग सॉलिड स्टेट में ही हो जाएगा, सॉलिड फेस में भी हो जाएगा, जिसके अंदर आएगा फ्रिक्शन वेल्डिंग, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग। और लास्ट जो अभी लेटेस्ट डेवलप हुआ है, रिसेंटली 20-25-50 साल में डेवलप हुआ है नया टेक्नोलॉजी वेल्डिंग का, ठीक है, उसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी यानी कुछ रेडिएशन होंगे, कुछ किरण होंगे, उससे हम लोग वेल्डिंग करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो अभी नई ही न्यूअर टेक्निक है, तो उसको न्यूअर वेल्डिंग टेक्निक बोला जाएगा, जिसके अंदर है इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग, EBM, और लेज़र तो आपको सबको मालूम ही है, लेज़र बीम वेल्डिंग। तो टोटल 6 तरीके से हमने पूरा वेल्डिंग प्रोसेस को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया है, डिवाइड किया है अलग अलग कैटेगरी में। ओके, अब आप सिर्फ टाइटल याद रखिए और हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो हमने देखा था क्लासिफिकेशन के अंदर, वो था हमारा गैस वेल्डिंग प्रोसेस। बेसिकली गैस वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, तो गैस वेल्डिंग प्रोसेस में हमको दो गैस मिक्स करना है, दो गैस। पहला गैस ऐसा लेना है जो खुद जल सके। कौन सा गैस लेना है हमको, दो गैस लेना है, ठीक है। दोनों गैस का मिक्सिंग करना है, यानी दोनों को ऐड करना है। एक गैस आपको कैसा लेना है जो जल सके, जो कम्बुसेबल हो, है ना, जिसका हम लोग दहन कर सके, जिसको हम लोग जला सके। और दूसरा क्या करना है, तो दूसरा उसको जला सके, उसको जलने में मदद करे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल एयर। जब हम लोग फ्यूल जलाते हैं तो ऑक्सीजन और एयर क्या करते हैं, तो के बाद उसको जलने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ऐसे दोनों गैस का आपको मिक्सिंग करना है, और उसको अगर हम लोग वेल्डिंग करने के लिए यूज़ करेंगे तो उसको गैस वेल्डिंग प्रोसेस बोला जाएगा। तो जलने वाला गैस कौन सा है, तो कि एसिटिलीन और हाइड्रोजन। एसिटिलीन और हाइड्रोजन कैसे है, जो खुद जल सकते हैं, और जो ऑक्सीजन है, एयर है, वो क्या करेंगे, तो ये जो एसिटिलीन और हाइड्रोजन है उसको जलने में मदद करेंगे, है ना, उसका जो संपूर्ण दहन है वो क्रिएट करेंगे, क्लियर है। तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे। अब मेन चीज़ क्या है, तो क्या आपको एक वेल्डिंग टॉर्च लेना पड़ेगा। गैस वेल्डिंग का क्या आएगा, एक टॉर्च आएगा, एक कंपोनेंट है जिसके अंदर दोनों पाइप लगा हुआ होगा, दोनों पाइप से गैस आएगा, उस गैस टॉर्च के अंदर, चैम्बर के अंदर, छोटे से चैम्बर के अंदर दोनों गैस जो हमने प्रपोजन, यानी दोनों का जो हमने परसेंटेज सेट किया उसके अकॉर्डिंगली मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद उसकी जो नोजल टिप होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं वेल्डिंग टॉर्च टिप, ठीक है, वहाँ से दोनों गैस मिक्स होकर निकलेंगे, और वहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा जला के चिंगारी देके फ्लेम क्रिएट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में हमने सारी प्रोसेस करके फ्लेम क्रिएट कर दिया है। फ्लेम यानी ऐसा, आपने देखा होगा गैस वेल्डिंग में आवाज़ करेगा और ढेर सारा जो आग है वो उगलेगा वहाँ से कॉर्नर से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेल्डिंग टॉर्च के टिप, वेल्डिंग टॉर्च का जो टिप दिया गया, वहाँ से फ्लेम क्रिएट हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, जिस प्लेट के ऊपर आपको वेल्डिंग करना है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक साइड पे इस तरीके से वेल्डिंग टॉर्च का जो टिप है वो थोड़ा प्लेट के पास ले जाना है, और क्या करना है, प्लेट के साथ टिप को कांटेक्ट करवा के जो हीट एनर्जी है, जो टेम्परेचर है, वो बढ़ाना है। जैसे ही हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, उसी टाइम पर आपको दूसरी तरफ से, ठीक है, वेल्डिंग रोड जो आता है वो वहाँ पर रखना है। मतलब आप लोग क्या करोगे, जहाँ पर भी वेल्डिंग होगा ना, वहाँ पे एक बेस मेटल होगी, बेस मेटल के ऊपर आपको जहाँ पे भी वेल्डिंग करना है वहाँ पे आप जो वेल्डिंग टॉर्च है गैस वेल्डिंग का वो ले जाएंगे, और साथ में फिलर इलेक्ट्रोड ले जाएंगे, वेल्डिंग रोड, तीनों एक साथ में होंगे। मेटल पिघलेगा, ये जो वेल्डिंग रोड है वो पिघलेगा, और जहाँ पे भी आपको जॉइंट मारना है ना, वहाँ पे वो जॉइंट क्रिएट कर देगा, क्लियर। फिर स्लोली स्लोली आपको आगे बढ़ना है। अगर आप इस डायरेक्शन में बढ़ोगे तो वो फॉरवर्ड कहलाएगा, उल्टा जाओगे तो बैकवर्ड कहलाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ वेल्डिंग प्रोसेस होता है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, गैस वेल्डिंग प्रोसेस से आप लोग क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं। अब जो हम लोग गैस यूज़ करने वाले हैं वेल्डिंग के लिए, उसके अकॉर्डिंगली गैस वेल्डिंग प्रोसेस को डिवाइड किया जाता है। अगर हम लोग ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन यूज़ करेंगे, एक सिलेंडर में ऑक्सीजन होगा और दूसरे सिलेंडर में एसिटिलीन होगा, तो अगर हम लोग ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिक्स करके वेल्डिंग करेंगे तो वहाँ पे हमको वेल्डिंग के दौरान कितना टेम्परेचर मिलेगा, तो 3300 डिग्री सेल्सियस,
3300 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर हमको मिलेगा, जिससे अच्छी खासी फेरस और नॉन फेरस मेटल सब पिघल जाएगी। पिघल जाएगी तो जॉइंट भी लग जाएगा, ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। क्लियर? अगर हम लोग चेंज कर देते हैं, ऑक्सीहाइड्रोजन ले लेते हैं, तो भी किसका मिक्सर होगा? तो कि भाई एक सिलेंडर में ऑक्सीजन होगा, दूसरे सिलेंडर में क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अगर हम लोग एयर एसिटिलीन ले लेंगे तो एयर तो बाहर से फ्री मिल रही है, तो एक ही सिलेंडर होगा जिसके अंदर एसिटिलीन होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग गैस को यूज़ करके गैस वेल्डिंग प्रोसेस कर सकते हैं। अब मेन चीज़ क्या है जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, वो आपको पूछा जाएगा गैस वेल्डिंग का सेटअप, यानी पहला जो हमने थियरी देखा है वो सेटअप पूछेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ। लेकिन और साथ साथ में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जब भी हम लोग गैस वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर या फिर ड्यूरिंग द गैस वेल्डिंग प्रोसेस कौन से तरह के की फ्लेम क्रिएट होती है। हमने जो वो नोजल टिप के ऊपर आग लगा के जो हमने फ्लेम क्रिएट की है, ठीक है, जो हमने फ्लेम क्रिएट की है उसका भी अलग अलग प्रकार है, यानी उसके भी अलग अलग तरीके हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ फ्लेम विच आर क्रिएटेड या फिर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द गैस वेल्डिंग प्रोसेस। तो उसके अंदर है नेचुरल फ्लेम, कौन सी फ्लेम क्रिएट होगी? नेचुरल फ्लेम क्रिएट होगी, ठीक है। उसके बाद होगा कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम और तीसरा होगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, यानी टोटल तीन तरह के की अलग अलग जो फ्लेम है वो क्रिएट होती है, ठीक है। एक ही सिलेंडर है, मतलब दो ही सिलेंडर है, दो ही गैस है, लेकिन उसका जो रेशियो गैस का जो हमने मिक्स किया वो जो रेशियो चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली गैस वेल्डिंग के दौरान अलग अलग तरीके की फ्लेम क्रिएट होगी। अगर आप लोग नेचुरल फ्लेम क्रिएट करेंगे, लेकिन नेचुरल फ्लेम का आपको मैं कंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ, मेन है ना यह फिगर है, एग्ज़ाम में आपको यह मेन फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल फ्लेम के बारे में। नेचुरल फ्लेम में क्या होता है? तो जो नेचुरल फ्लेम होता है ना उसके अंदर जो इनर कॉर्न होता है, जब भी फ्लेम क्रिएट होता है तो उसके अंदर तीन कॉर्न यानी तीन सेक्शन क्रिएट होते हैं। तो जो नेचुरल फ्लेम होता है उसके अंदर जो सबसे पहला अंदर का कॉर्न होता है वो नेचुरल कॉर्न इनर कॉर्न होता है। तो जो इनर कॉर्न होता है वो छोटी साइज़ का होता है और जो आउटर एनवेलप होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। मतलब जो येल्लो पोर्शन होगा फ्लेम का वो ज़्यादा होगा और जो इनर कॉर्न है ग्रीन पोर्शन वो थोड़ा कम दिखेगा। क्लियर है? टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट क्या है? तो जब भी हम लोग नेचुरल फ्लेम क्रिएट करेंगे तो अबाउट 5900 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 3260 डिग्री तक सेल्सियस का टेम्परेचर क्रिएट होगा। 3260 3260 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर क्रिएट थे, ठीक है। थोड़ा येल्लो वाला पोर्शन ज़्यादा रहेगा तो जो भी आग लगेगा, जो भी फ्लेम क्रिएट होगा उससे आपको थोड़ा ज़्यादा प्रकाश देखने को मिलेगा। इनर कॉर्न थोड़ा ब्लू जैसा होगा। क्लियर है? स्टेनलेस स्टील है, कास्ट आयन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, माइल स्टील है, उसको आप लोग नेचुरल फ्लेम से जॉइंट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम। अगर कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम की बात करेंगे तो कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम है ना वो मिडल में आता है, मतलब इसके अंदर भी आप देख सकते हैं फिगर में कि जो कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम है उसके अंदर जो इनर कॉर्न है वो थोड़ा बड़ा होगा। कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम में इनर कॉर्न थोड़ा बड़ा होगा, फिर ये जो बाहर वाला आउटर कॉर्न है वो थोड़ा उससे भी बड़ा होगा, ओके। और बीच में जो है उसे बोला जाएगा फेडर, ओके। तो अगर मिडल कंडीशन वाली बात करेंगे कि भाई ना नेचुरल ना ऑक्सीडाइजिंग, तो बीच में कौन आएगा? कार्ब्यूराइजिंग। कार्ब्यूराइजिंग से क्या होगा? तो कि भाई कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम से हम लोग अप्रोक्सीमेटली 3038 डिग्री सेल्सियस तक जितना टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं। 3038 डिग्री सेल्सियस, 3038 डिग्री सेल्सियस इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 3038 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर हम लोग क्रिएट कर पाएंगे कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम से। अब ये जो कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम है वो बेसिकली यूज़ होता है वेल्डिंग के अंदर, तो यूज़ होता है, लेकिन जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस, एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। तो वहाँ पे भी बेसिकली कार्ब्यूराइजिंग प्रोसेस यूज़ होता है, सॉरी कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम यूज़ होता है। क्लियर? फिर बात करेंगे हम लोग अगर मेटल, तो जो नॉन फेरस मेटल होते हैं यानी जो प्योर मेटल होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, उसको वेल्डिंग करने के लिए
या फिर कार्बन स्टील होता है उसको वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम या कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम, तो ओके भाई कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम यूज़ होता है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम के बारे में, तो वापस एक बार, नॉन फेरस मटेरियल होंगे, कार्बन स्टील होंगे, उसको वेल्डिंग करने के लिए कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम यूज़ होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन का पोर्शन ज़्यादा रहेगा, एसिटिलीन का पोर्शन थोड़ा कम रहेगा। उसकी मदद से 6300 फेरनहीट यानी 6300 डिग्री फेरनहीट जितना टेम्परेचर क्रिएट होगा, इससे हम लोग हार्ड मेटल, ब्रिटल मटेरियल, लो स्ट्रेंथ वाले जो एलॉयस होते हैं उसको हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। क्लियर। उसके साथ साथ जो कॉपर बेस एलॉय है, जिंक के मेटल है, ठीक है, जो मैंगनीज स्टील आते हैं, कास्ट आयन आते हैं, उसके जो कंपोनेंट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्लेम यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। तीन अलग अलग तरीके की फ्लेम क्रिएट करके हम लोग गैस वेल्डिंग प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोजिशन ऑफ दी वेल्डिंग। ठीक है, अगर आप लोग हॉरिजॉन्टल पोजिशन में वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस में अगर वेल्डिंग होगा, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग। तो देखिए हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग है, फिगर में भी देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग है, ये भी हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग है। क्लियर। अगर हम लोग बात करेंगे वर्टिकल वेल्डिंग की, तो वर्टिकल में क्या होगा, तो आप इस पोजिशन में वेल्डिंग करेंगे। ठीक है, अब इस पोजिशन में वेल्डिंग करने का प्रॉब्लम क्या है, आप ऊपर से वेल्डिंग करके नीचे आओगे ना तो प्रॉब्लम होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो हम लोग को नीचे से वेल्डिंग करके ऊपर जाना है, ताकि नीचे वाली मेटल को ऊपर वाली मेटल का सपोर्ट मिले, सॉरी ऊपर वाली मेटल को नीचे वाली मेटल का सपोर्ट मिले। तो ये वर्टिकल वेल्डिंग है, तो आप देख सकते हैं फिगर में, ये जो है हमारा वर्टिकल वेल्डिंग है, ये वर्टिकल है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है। क्लियर है। फिर थर्ड कौन सा है, इंक्लाइन, है ना, कुछ एंगल पर आपने क्या कर दिया, तो कि भाई कुछ एंगल पर आपने प्लेट रखी हुई है, इस एंगल पे थीटा जितने एंगल पे, और आप यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हो, तो उसको बोला जाएगा इंक्लाइन वेल्डिंग। ओके, ओवरहेड वेल्डिंग यानी आपका जो छत के ऊपर पंखा टंगा हुआ है, आप छत के ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं, मतलब आपका वेल्डिंग का ऑब्जेक्ट आपके सर के ऊपर है, आप समझ रहे हो कि नहीं। ओवरहेड पोजिशन किसको कहते हैं, वर्कपीस आपके सर के ऊपर है, आप वर्कपीस के नीचे, और आप क्या कर रहे हैं, नीचे खड़े खड़े आपके छत के ऊपर, सॉरी वापस एक बार, वर्कपीस आपके सर के ऊपर है, मतलब आप वर्कपीस के नीचे खड़े हैं, वर्कपीस आपके ऊपर टंगा हुआ है या फिर फिक्स किया हुआ है, और आप उसके नीचे खड़े खड़े ऊपर की ओर देखते हुए वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा ओवरहेड वेल्डिंग प्रोसेस। क्लियर है। ये तो ये जो टेक्निक होती है, दैट मीन्स के जो पोजिशन होती है ना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइन, ओवरहेड, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जब आप वेल्डिंग करोगे तो ये भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इससे भी वेल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर कम ज़्यादा हो सकता है। तो ढेर सारी चीज़ें आपने देख ली आज के लेक्चर में, तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई है गैस वेल्डिंग के अंदर, सेटअप, टाइप्स ऑफ फ्लेम, और लास्ट में जो मैंने आपको पोजिशन दिखाई, सारी चीज़ें आपको क्लास नोट के अंदर नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, मिलेंगे कल और इसी चैप्टर को कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू।